वेलकम टू बैक द वेलकम चैलेंज अकाउंट की एक नई चैलेंज भरा वीडियो। भारत भ्रमण के 331 दिन के सफर में मैं नंदी घोष ऑल इंडिया बाइसाइकिल राइडर आज पहुंचा हूं त्र्यंबकेश पर। और वो जो मेरे पीछे देख रहे हो आप ब्रह्मगिरी पहाड़, उसी पहाड़ का आज हम ट्रेक करने वाले हैं। 4 किलोमीटर का ट्रेकिंग है और बहुत ही मजा आएगा, जो कि त्र्यंबकेश पर में है। ओके, दुकान पे मैं अपना साइकिल को पार्क करके अब जा रहा हूँ ब्रह्मगिरी पर्वत को फतेह करने। ये जो आप देख रहे हो ब्रह्मगिरी पहाड़ का पूरा नक्शा है, ब्लूप्रिंट है, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ मंदिर है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी ट्रैक में आपको चाय, नाश्ता, भुट्टा और बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए चेयर भी मिलेगा। जिधर भी नज़र घुमाओ पहाड़ों में झरना, झरने में प्राकृतिक जलवायु। लेकिन दुख इस बात का है कि लोग ऐसे पवित्र स्थान को इस तरह कूड़ा करके रखा है। यहाँ के बंदर बिल्कुल भी इंसानों को नहीं डरते, और हम इंसानों से ज़्यादा स्मार्ट है। साले नहीं, मुझे बजरंगबली डर लगता है। और यहाँ गाइस ऊपर आने के बाद नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। पार्किंग से 1 घंटा चलने के बाद आपको 2 पहाड़ों के बीच से बना हुआ इस तरह का 80 डिग्री एंगल से बना हुआ सीढ़ी आपको देखने को मिलेगा, जो कि थ्रिलिंग के साथ साथ काफ़ी मज़ेदार है। वाओ, फैंटास्टिक। दो पहाड़ों को काट के बनाया गया इस 80 डिग्री सीढ़ी को पार करके जब आप पहुंचते हो ब्रह्मगिरी पहाड़ के ऊपर, तो इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। गलती से मैं मानसून के समय पे आ चुका हूँ। वैसे तो मानसून के समय पे बहुत ज़्यादा हरियाली होता है, लेकिन बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से थोड़ी सी तकलीफ आपको झेलने को पड़ सकता है। जैसे कि आपने भूगोल में पढ़ा होगा, जितना ज़्यादा ऊंचाई उतनी तेज हवा चलता है, तो यहाँ भी वही फार्मूला लागू है। बहुत तेज हवा चल रहा है, हर कोई परेशान है हवा से, लेकिन आपका भाई तो मज़े कर रहा है यार हवा से। डेढ़ से 2 घंटा ट्रैक करने के बाद वर्तमान में पहुंचा हूं गोदावरी नदी का उगम स्थान। माना जाता है गौतम ऋषि ने तपस्या करके इस नदी को धरती पर लाया था, इसीलिए इसे गौतमी गंगा भी कहा जाता है। इस जगह का एक और मान्यता भी है। माना जाता है भगवान गणेश जी ने गाय का रूप लेके गौतम जी के धान के खेत में चले गए, और गौतम जी ने गुस्से में आके गो हत्या कर दिया था। और गो हत्या से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने शिव जी का शरण लिया था। शिव जी ने उनको उपाय बताया था कि वो यहाँ 12 साल तपस्या करें, तब जाके उन्हें गो हत्या से मुक्ति मिला था। यह जो कुंड देख रहे हो, यही कुंड गोदावरी नदी का मुख्य उगम स्थान है। उत्तर भारत में गंगा नदी का जो महत्व है, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी का वही महत्व है। Thank you.
वर्तमान में पहुंचा हूं ब्रह्मगिरी पर्वत का मुख्य दर्शन, जी हाँ शिव जी का मंदिर। और यहाँ सावन के महीने में भक्तों का भीड़ तो उमड़ ही रहा है। गाइस यही था आज का वीडियो, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और चैलेंज है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है। मेहनत करके वीडियो बनाना तो मेरे हाथ में है, जो मैं हुआ कर रहा हूँ।